हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमजी स्टार एजुकेशन में। फ्रेंड्स, रेलवे एलपी और टेक्नीशियन स्टूडेंट के लिए बड़ी खबर आ रही है और ये जो खबर आ रही है वो आरआरबी भोपाल जोन से आ रही है, जहाँ पे फाइनल रिजेक्शन लिस्ट जो है वो आरआरबी की साइट पर अपलोड हो चुकी है। लिस्ट देखने के लिए आपको आना होगा आरआरबी भोपाल के ऑफिशियल साइट पर। अभी मैं हूँ आरआरबी भोपाल के ऑफिशियल साइट पर। फ्रेंड, जब आप यहाँ पर नीचे आओगे तो ये जो है आज की तारीख में लिंक एक्टिव की गई है। लिंक जो है यहाँ पे डेट बता रहा है 29/11/2019, लेकिन आज जो है ये एक्टिव हुई है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको एक पीडीएफ जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो फ्रेंड देखते हैं पीडीएफ में क्या है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो है रेलवे भर्ती बोर्ड भोपाल की लिस्ट है, जिसके अंदर फाइनल रिजेक्शन लिस्ट जो है बता दी गई है, जिसके अंदर पैराग्राफ में बताया गया है कि आपका डीवी शेड्यूल जो है ये तारीख से ये तारीख तक चला था। ये खाली बेसिक जानकारी दी गई है। सेकंड में जब आओगे तो लिखा है टोटल 114 कैंडिडेट जो है वो डीवी के अंदर आए नहीं थे, यानी अपनी इच्छा अनुसार इन्होंने अपना कैंडिडेचर जो है वो रद्द कराया। ऐसे जो है टोटल 114 कैंडिडेट है और 30 कैंडिडेट ऐसे है जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं रखते थे, फिर भी उन्होंने फॉर्म भरा है। वो सारी जानकारी दूंगा, वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो है 114 कैंडिडेट की लिस्ट है जो एब्सेंट थे और जिन्होंने अपनी इच्छा अनुसार कैंडिडेचर को रद्द कराया है। तो फ्रेंड्स, ये देख लीजिए इनकी लिस्ट है 114 के, जिसके अंदर इनका डीवी नंबर, रोल नंबर और नाम मेंशन किया गया है। उसके बाद जब आप नीचे आओगे तीसरे पैराग्राफ में तो 30 कैंडिडेट ऐसे थे फ्रेंड्स जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं रखते थे CA नंबर 01/2018 में, फिर भी उन्होंने पोस्ट जो है सिलेक्ट की थी कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं होने के बावजूद भी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बताए नॉट एलिजिबल फॉर ALP पोस्ट, यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। ज़्यादातर यहाँ पे ALP और जो है कैटेगरी नंबर 134 और 136 कैंडिडेट है, ऐसे जो है इनकी संख्या 30 कैंडिडेटों की इनकी संख्या है। वहीं जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ में बताया गया है कि दो कैंडिडेट ऐसे जिन्होंने अपनी कम्युनिटी जो है गलत सिलेक्ट कर ली थी, OBC थे लेकिन युवा सिलेक्ट कर ली थी, लेकिन इनके मार्क्स जो है वो युवा जितने नहीं आ रहे थे तो इनको भी जो है रिजेक्ट कर दिया है। ऐसे कैंडिडेट की संख्या जो है वो दो है। और वहीं 48 कैंडिडेट जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है, 48 कैंडिडेट जो है जो मेडिकल, इनका कोई मेडिकल प्रॉब्लम होगा, जिन्होंने फाइनल मेडिकल के लिए अपील की है, लास्ट चांस इनको दिया गया रेलवे के द्वारा, तो इनकी लिस्ट जो है वो यहाँ पे मेंशन की गई है। ऐसे कुल जो है 48 कैंडिडेट है। वही जब आप नीचे आओगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 48 कैंडिडेट है ये फाइनली अनफिट पाए गए आरआरबी के द्वारा, तो इनके भी कैंडिडेचर जो है वो रद्द कर दी गई है। वहीं जब आप नीचे आओगे तो 48 के बाद छठे पैराग्राफ के अंदर मेंशन किया गया है ये जो कैंडिडेट है 15 कैंडिडेट वो टेम्परेरी अनफिट पाए गए हैं। वहीं जब आप नीचे आओगे तो 190 कैंडिडेट ऐसे हैं जो मेडिकल के अंदर थोड़ा इनके प्रॉब्लम हुआ होगा तो उनको फाइनल चांस दिया गया है रेलवे के तरफ से। 190 कैंडिडेट को जो है फाइनल चांस दिया है। इसके बाद सपोज़ वो अनफिट होते तो उनका भी लिस्ट जो है वो पब्लिश कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप आरआरबी भोपाल की साइट पर ये लिस्ट जो है अपलोड की गई है। इसके अंदर टोटल जो है 399 कैंडिडेट का नाम मेंशन किया गया है। आई होप फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।